आखिरकार जिला परिषद सदस्यों का गुस्सा सामने आ ही गया। लंबे समय से सदस्यों में नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन लगता है अब पानी सर से ऊपर हो गया है। जिला परिषद की कार्यशैली से नाराज आधा दर्जन जिला परिषद ने मानो इस मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी उपेक्षा, योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी, मनरेगा में अनियमितता और व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आक्रोशित जिला पार्षद ने शुक्रवार को जिला परिषद अररिया के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि किस योजना में कितनी राशि है इसकी जानकारी सदस्यों को कार्यालय द्वारा नहीं बताई जाती। ऐसे में जब ग्रामीणों द्वारा राशि पूछा जाता है तो बताना मुश्किल होता है। बैठक में शामिल सदस्यों ने कहा कि जिला परिषद सदस्यों पर से जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। पहली बार नाराज जिला पार्षदों का गुस्सा फूटा है। ऐसे में नाराज जिला परिषद सदस्यों ने सीधे तौर पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अफसरशाही चरम पर है, सदस्यों को बंधुआ मजदूर समझा जाता है। आज के प्रेस वार्ता में जिला पार्षद और उसके प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें इश्तियाक आलम, परवेज मुशर्रफ, हुसैन उर्फ चुन्ना, फातिमा तूफानी, लालू यादव, फैसल जावेद यासीन, मुजाहिद हुसैन शामिल थे। सभी नाराज सदस्यों ने कहा कि जिला परिषद अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाती है तो 22 मई से सभी पार्षद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इश्तियाक आलम ने कहा कि जिले में अफसरशाही और कमीशनखोरी चरम पर है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये जिला परिषद गठन हुए आज 1.5 साल से ज़्यादा हो गए, हम व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस व्यवस्था चरमराई हुए पूर्ण तरह, जिला परिषद का सिस्टम फेल है, इसी के विरुद्ध में हम लोग, क्योंकि जब जन समस्या का समाधान हम पार्षदों द्वारा नहीं होगा, क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होगा, तो हम जनता को किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? हम जनता में रहने वाले लोग हैं, हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे और हम क्या उसका जवाब देंगे? 5 साल में जब 1.5 साल ख़त्म हो गया, 3.5 साल बचा है, फिर लोकसभा विधानसभा इलेक्शन डिफरेंट टाइप का बाधाएं आ जाती हैं तो काम में रुकावटें होती हैं, तो हमें लगा कि हम सही समय पाकर, जबकि बहुत समय गुजर गया, पहले करना चाहिए, देर से जागे हम लोग, लेकिन जागे हैं। आज बहुत सारे पार्षदगण आते, लेकिन क्योंकि आज बर्थ है इनका, अरे हाँ बर्वृत है, इस वजह से हम लोगों ने आज ही धरना रखा था और ये धरना मुख्य रूप से रखा गया है सिस्टम के खिलाफ, और सिस्टम में जितने लोग आते हैं सब दोषी हैं, मुख्यतः यही कारण है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए कि आज धरना रखा गया था, लेकिन हमने इसको आगे बढ़ाया है। 22 तारीख को 11:30 से इस जिला परिषद के कार्यालय के आगे धरना देगा। धरना में ये नहीं है कि हम पूरे समूह को बुला लेंगे, 300 पार्षद को बुला लेंगे, हम लोग धरना देंगे, हम तमाम लोग धरना देंगे, जिनको लगेगा कि हमारी हक हमें नहीं मिल रहा है, हमसे हक छीना जा रहा है, या हम जनता जनार्दन का काम नहीं कर पा रहे हैं, वो आके शरीक होंगे धरना में और सबके लिए वेलकम है। धरना के माध्यम से क्या मांगे हैं? धरना के माध्यम से हम लोगों की मुख्य रूप से मांगे जो हैं वो है कि जिला परिषद की 4 बैठकें हो चुकी, बैठक में प्रोसीडिंग में जो बातें आती हैं, जो निर्णय लिया जाता है, उसमें 20% के अलावा निर्णय पे अमल नहीं होता है। वो 20% भी वैसे निर्णय का अमल होता है जिसमें पदाधिकारी या माननीय का हस्तक्षेप होता है और उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उस पर अमल हो जाता है। बाकी पार्षदजनों का जो मुद्दा होता है उस पर अमल नहीं होता। पहला मुद्दा हम लोगों का ये है। दूसरा, सबसे गंभीर समस्याएं हैं और सबसे गंभीर मुद्दा है वो है मनरेगा योजना। जिला परिषद को मनरेगा एजेंसी, बिहार में 5-6 जिले में मनरेगा का काम हो रहा है, लेकिन अररिया जिला इससे वंचित है, जबकि बिहार से सबसे दबे कुचले इलाके और नदी वाला इलाका, बाढ़ और सैलाब वाला इलाका ये है। यहाँ मनरेगा मजदूर का प्लान होता है, हमको लगता है हिंदुस्तान का कोई ऐसा जगह नहीं, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ बिहारी मजदूर जाके काम नहीं करते हैं। उसका प्लान रोकने के लिए इतनी अच्छी स्कीम है ये मनरेगा योजना, और जिला परिषद को ये मनरेगा योजना देने से फायदा ये है कि एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ना है, लेकिन यहाँ सीमित कर दिया मनरेगा योजना को, सिर्फ प्रखंडों में करना है, 2
टोकरी मट्टी देकर, चार कोदाली मट्टी देकर खुलेआम तौर पे भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरे जिला में और तमाम पदाधिकारी अपनी झोलियां भर रहे हैं। इस वजह से जिला परिषद का मनरेगा में हिस्सा होना चाहिए, बहुत पूर्व में होना चाहिए, सिर्फ आश्वासन मिली है। जबकि मान हमारी जिला पदाधिकारी महोदया ने इसके संबंध में पॉजिटिव लिखा है, लेकिन आज तक वो फाइल धूल चाट रही है। पार्षदों को हर बैठक में सिर्फ आश्वासन मिलता है कि मनरेगा हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब पार्षदों का 5 साल बीत जाएगा तब हो जाएगा। हम ये जवाब चाहते हैं आज इस आपके चैनलों के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये कब हो जाएगा? और हमने तो ये निर्णय ले लिया है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन सभा ने साथ दिया, मुझे बड़े खुशी है। मैंने कहा था कि अकेले बैठना होगा इन तमाम मुद्दों पे, तो मैं अकेले बैठूंगा और जब तक इसका समस्या का समाधान नहीं होगा अनिश्चितकालीन धरना होगा। आज भी हम उस पर अडिग हैं। और लेकिन पार्षदों ने कहा कि नहीं, ये तमाम मुद्दा पार्षदों का है, हम तमाम ज्यादा से ज्यादा पार्षद आपके साथ हैं। तो आज देख रहे हैं कि पूजा के दिन में भी इतने पार्षद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और मनरेगा योजना जब तक चालू नहीं होता है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे। जब तक इन में प्रमुख मुद्दा है जो है चालू नहीं होता है तब तक हम धरना पे बैठे रहेंगे। दूसरा सबसे गंभीर मुद्दा है NOC। जिला परिषद को कामों के लिए NOC चाहिए और NOC का यह हाल है कि महीनों 6 महीना NOC डिपार्टमेंट से नहीं आता है, जिसके कारण काम बाधित होता है, काम में विलंब होता है और काम का ओवरलोड पड़ता है पदाधिकारियों पर और लोगों पर, जिससे काम नहीं हो पाता है। आज आप मनरेगा में ले लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मनरेगा में। अररिया हमारे यहाँ वो पोस्टेड है, JEE है रवि कुमार, वो अररिया ब्लॉक के मनरेगा के JEE हैं। उनके अगर आप किसी भी फाइल को उठा के देख लीजिए कितनी बड़ी धांधली है उनके मनरेगा के कार्यों में। मनरेगा मतलब मनरेगा नहीं होना, समझिए जिला परिषद को नहीं देना, जबकि हमारा काम मॉनिटरिंग का है, हमारा काम निगरानी का, हमें देखना है। हम देखते हैं योजनाओं को, जब हम देखते हैं कि लूट हो रहा है, बिल्कुल हम तो कहते हैं फर्स्ट नंबर जिला में JEE का आएगा आपका, रवि का। अगर आप मनरेगा पे देखेंगे, जांच करवा लीजिए। मैं तो DDC महोदय से और जिला पदाधिकारी महोदय से इस संबंध में आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस पर जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि मनरेगा में कितना लूट हो रहा है और जिला परिषद जो एक बड़ा काम करेगा मनरेगा में वो वंचित है। इसलिए बहुत गंभीर समस्या है मनरेगा का। NOC का भी गंभीर समस्या है कि NOC अभी तक बहुत 6 महीने बीत जाते हैं, NOC नहीं आता है, साल भर का NOC अभी तक नहीं आया है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आम नागरिक से मुखातिब होना चाहता हूँ। हमारा काम मुख्य काम निगरानी करने का है, हमें जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार और सुविधाओं की निगरानी करने की हमारी जिम्मेदारी है, किंतु जिला परिषद में इस सिस्टम को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है। जितनी भी समितियाँ बनाई गई हैं निगरानी के लिए सभी को बेकार कर दिया गया है, कोई भी अध्यक्ष इस पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब जिला परिषद सदन निगरानी नहीं कर पाएगा तो जिला में भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और किस रणनीति के साथ भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए इन कमेटियों को भंग तो नहीं कहेंगे लेकिन उस हालत पहुंचा दिया गया कि ये निष्क्रिय है। तो मेरा डिमांड है जितनी भी कमेटी है उसको उतना क्रियान्वयन कीजिए उसका कि जिला में काम हो सके, अस्पताल की व्यवस्था सही हो सके, नल जल की व्यवस्था सही हो सके। लेकिन मैं बार बार एक बात कहना चाहूँगा, जो कमेटी है उस कमेटी को पूर्ण रूप से एक्टिव किया जाए। हमने उस सदन में खुल्लम खुल्ला तमाम पदाधिकारियों के सामने कहा कि हम जो मीटिंग में आवाज़ उठाते हैं हमारी आवाज़ को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। हमने उस मीटिंग में भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हम लोगों को परिषद का पद नहीं है, ये गोया के हवलदारी करने के लिए पद दिया है। अगर हम लोग ईमानदारी से हवलदारी करते भी हैं, जांच पड़ताल करते भी हैं, पंचायत का काम हो चाहे स्टेट लेवल का काम हो चाहे कोई भी काम हो, जब हम उसको गंभीरता से देखते हैं तो उनका श्रेय उनका फायदा पदाधिकारियों को चला जाता है, क्योंकि जाँच होने के बाद वहाँ कमीशन खोरी आज इस सरकार में इतना ना बढ़ गया है कि अगर हम किसी भी बिंदु पर हम आवाज़ उठाते हैं तो उनका कमीशन सीधा पदाधिकारी को जाता है और वो जांच वहीं धरा कर धरा रह जाता है। उस विषय पर जब हम अपने सदन में आवाज़ उठाते अपने अध्यक्ष महोदय के सामने ये बात रखते हैं तो बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता है।
हमारे प्रोसीडिंग में बहुत सारी बातें आई, लेकिन ये जस का तस पड़ा हुआ है, सिर्फ एक पेपर बाजी के नाम पर ये सिर्फ पेपर में सीमित रह गया है, ये आज तक अमल नहीं हुआ है। दो साल समथिंग, डेढ़ साल में उनका पार हो चुका है, ये दूसरा साल में हम चले गए हैं, चंद दिन में दो साल हो जाए। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है, अरे 100% नहीं, कम से कम 50% का काम तो होना चाहिए था ना। पार्षद ने जितने जितने मुद्दे को रखा, कोई अपना पर्सनल मुद्दा तो नहीं था ना, वो जनहित का मुद्दा था। रोड का मामला हो, मनरेगा का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो कहीं नदी कटान का मामला हो, और बाढ़। देखिए सबसे बड़ी समस्या जो तो फ्लड का जो है, हर साल अररिया डिस्ट्रिक्ट जो है सीमांचल सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त इलाका आता है, और 6,000 रुपया के लिए क्या नाम है कि लोग लाइन लगाते हैं। उसमें क्या होता है, जो लोग जिसका नुकसान होता है आपदा में, वो लोग वंचित रह जाते हैं, उसका फायदा वही लोग उठाते हैं जो लोग वंचित नहीं होते हैं। उसमें नेतागिरी हो जाता है, उसमें अगर रिश्वतखोरी चलता है, जो लोग पैसा देगा वो आपदा का लाभ लेगा, जो लोग पैसा नहीं देगा वो बेचारा जो आपदा का लाभ नहीं ले पाता है। तो सरकार से कहना है, खास के अररिया के जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से मेरा कहना है, हम प्रतिनिधि के रूप में कह रहे हैं कि हमको जो चुनकर पब्लिक भेजा है, हमारा फर्ज बनता, दायित्व बनता है, हम अपना दायित्व पूरा करने के लिए हम आप तक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आने वाले आपदा के लिए आपका क्या तैयारी है। खासकर क्या आपके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है, जैसे कि इन्होंने बताया इनके साथ में तो नहीं, हम कुछ काम से आए हैं तो हम देखे कि पार्षद साहब बैठे हुए हैं, तो इस मीटिंग में हम भी बैठने वाले थे तो हम भी बैठ गए। सही है, क्योंकि हम भी ये जिला कार्यालय का ऑफिस का, हम भी तो जिला परिषद है, तो हम दर से मध्यम ये करते हैं कि आप लोग को मुबारकबाद देते हैं कि हम जो जीते हैं, डेढ़ साल हो गया है, डेढ़ साल में जो है कि हमारा जो काम करना चाह रहे हैं, जनता लोग ने हमें वोट दिया है तो बहुत दर्द दुख से दिया है कि हमें जो कि काम आएगा। गरीबों ने सोचा है कि जो भी योजना आएगा, गरीब तो ये नहीं जानता है क्या फंड आ रहा है, क्या योजना आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, उससे काम से मतलब है कि हमें एक ठो नाला बना दे, एक ठो शौचालय दे दे, एक ठो रोड बना दे, गली कुची में बरसात होने वाला है, बारिश होने वाला है, हम लोग चलने फिरने दिक्कत ना हो। तो जनता को हम करके नहीं दिखाएंगे तो हम पिछले साल आने वाला हम जनता को क्या जवाब देंगे उसको। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब अधिकार आदमी को नहीं मिलता है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसी कड़ी में ये हमारे अधिकार को हमसे वंचित किया जाता है। एक जिला परिषद के क्षेत्र में 7 पंचायत 8 पंचायत होता है, 8 पंचायत के प्रतिनिधि का चुनाव हम लोग करके आते हैं, जनता भेजती है उम्मीद के साथ कि क्षेत्र में कुछ काम होगा, और हमारे क्षेत्र के कामों को रुकावट किया, रोक दिया जाता है, विकास बाधित होता है, और जो भी कामें होती है वो काम सबके साथ समान रूप से होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो पाता है, किसी को अधिक मिलता है, किसी को कम मिलता है, जबकि प्रतिनिधि तो सब समान है। हम लोगों को जिला पार्षद जीत के आए हुए डेढ़ से दो साल हो गया है, हम लोगों को ये तक पता नहीं चल रहा है कि हम लोगों का योजना कितना आया है, कितना जा रहा है, कितना क्या है, ये कोई चीज़ फाइनली नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस धरना का प्रदर्शन कहते हैं कि बैठने के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोग जितने भी हमारे मीडिया भाई हैं, हम लोगों की जहाँ तक शक्ति चले आप लोग हमारी मदद करने पर उतरिए, ताकि हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर, यहाँ पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहाँ पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। तो आज ही पधारे, हमारा पता है फिक्स मैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, ADB चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 06453350035।